इंदौर के नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र के सिमरौल में दो व्यक्ति के मामूली विवाद के चलते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिससे एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY भिजवाया और पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। बता दें कि इंदौर नजदीक सिमरौल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम गवालू में गांव पर बैठे रामेश्वर और नंदराम में किसी मामले को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद नंदराम ने रामकिशोर पर पत्थर से वार कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही दोनों ही व्यक्तियों के पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों में धारदार हथियार व पथराव की घटना के बाद एक पक्ष ने कुछ लोगों ने गाड़ी में रखे लोहे की रॉड से परशुराम नामक व्यक्ति पर हमला कर दिया। हमले के बाद परशुराम नामक व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर भारी पुलिस बल के साथ तैनात कर स्थिति को शांत करवाया, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भी भिजवाया गया। हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये गवालू ग्राम है सिमरौल थाना अंतर्गत। यहाँ दो लोग रमेश और नंदराम, ये लोग एक साथ बैठ के बैठे हुए थे और इनका झगड़ा हुआ, और झगड़े के पश्चात नंदराम ने रामू को मार दिया था। तो ये उनके दोनों लोग, दोनों पक्षों के लोग आने लगे, तो नंदराम और नंदराम के लड़कों ने घर से टॉमी लेकर आके, जो गाड़ी में यूज़ होती है, उससे परशुराम के सिर में मार दिया था, जिससे उसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण कायम किया गया है सिमरौल में 302 का, और अभी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, बस शेष की गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी।